तो चलो जैसे हम लोग बीएससी थर्ड ईयर है, फिजिक्स ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट आउट होते हैं, अगर इसका फिर अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन देखें एग्जामिनेशन पॉइंट आउट होते हैं, इसका जो कंट्रीब्यूशन है इस फिजिक्स सब्जेक्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा 300 मार्क्स है। थोड़ा सा डिफरेंट है, लिटिल बिट डिफरेंट है हमारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ठीक है, क्योंकि अब जब थर्ड ईयर आ गया है तो थर्ड ईयर में तुमको ऑप्शन दिया जाता है कि जो तीन सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में तुमने स्टडी किया है उसकी जगह पे दो सब्जेक्ट भी तुमको स्टडी करना है, यानी थर्ड ईयर में तुमको चूज करना पड़ेगा, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं हो तो उसमें से चूज करना पड़ेगा कि कोई दो सब्जेक्ट भी लेके तुमको अपने पार्ट थ्री की पढ़ाई ग्रेजुएशन की तुमको करनी है। अब उन लोगों ने मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट कर लिए होंगे कि चाहे हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री हो, फिजिक्स मैथमेटिक्स हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री हो, या केमिस्ट्री हो मैथमेटिक्स हो, तो जो भी हमारा सुटेबल कॉम्बिनेशन अपने नॉलेज के आधार पर या अपने सिनेरियो के आधार पर हम लोग चूज करें, उसमें हर एक सब्जेक्ट का जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारा अगर बीएससी फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करेंगे तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा 300 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन, यानी कि आपको यहाँ पर इस क्लास में जो भी मेहनत करनी है वो कितने के लिए करनी है, 300 मार्क्स के लिए मेहनत करनी, ठीक है। अब इस 300 मार्क्स में कंट्रीब्यूशन कैसे डिफाइंड होता है, तो हमको इस फिजिक्स सब्जेक्ट में 300 कंट्रीब्यूशन के लिए अभी तक हम लोग तीन पेपर लगभग फिजिक्स में स्टडी करते हैं ना, अब यहाँ पर हम लोग का जो कंट्रीब्यूशन है हमको चार पेपर यहाँ पर स्टडी करना है, फर्स्ट पेपर हमको स्टडी करना है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, सेकंड पेपर हमको स्टडी करना है क्वांटम मैकेनिक्स, थर्ड पेपर हमको स्टडी करना है मॉडर्न मैकेनिक्स, फोर्थ पेपर जो स्टडी करना है हमको एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर, अब इसमें हर पेपर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है हमारा 50 मार्क्स, और जब हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में थे तो वहाँ पर जो हर पेपर का कंट्रीब्यूशन था वो हमारा 45 मार्क्स का, 50 मार्क्स, तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन है हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन क्यूडी तो हमारा कितना मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का हमारा क्यूरी का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ पर प्रैक्टिकल भी एसोसिएटेड है तो हमारे क्यूरी के साथ इसका प्रैक्टिकल का भी कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पर जो प्रैक्टिकल का कंट्रीब्यूशन है वो 100 मार्क्स का है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा है वो 300 मार्क्स का हमारे सब्जेक्ट, तो ध्यान देना अब यहाँ पर लड़ाई जो है वो थोड़ी सी धीरे धीरे जगहों को भी चीज़ बताया जाए धीरे धीरे टफ होती चली जाएगी, फर्स्ट ईयर में जो भी पेपर हम स्टडी कर रहे हो लाइक हमारा मैकेनिक्स रहा हो या हमारा वेव एंड ऑक्सीडेशन वाला रहा हो या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला पेपर रहे हो, ये सब जो भी वो फंडामेंटल्स यानी फिजिक्स के लेवल के जो फंडामेंटल्स पेपर के नॉलेज हो सकती है वो सारी बातें हम लोग अपने बीएससी पार्ट वन के इस लेवल में हम लोग डिस्कस किए, जब पार्ट टू में गए तो हम एकदम कोर ब्रांच में भी चले गए, कोर ब्रांच में कहने का सेंस कि जो जिस पे पिलर जा सकते हैं जिस पे पूरी फिजिक्स टिकी हुई तो उस ब्रांच को स्टडी करने गए तो पता चला कि हम लोग ऑप्टिक्स ब्रांच को स्टडी किए, इसमें लाइट या लाइट से रिलेटेड जितनी फिर आपका किताब में
फिर एक दूसरा पेपर था इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन के डायनेमिक्स मोशन से रिलेटेड फिनोमेना करता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में स्टडी किए। फिर हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी थर्मोडायनामिकल पैरामीटर है टेंपरेचर प्रेशर और स्पेसिफिक हीट इन सारे के एनालिसिस जिस फिजिक्स के बाद में से हम ब्रांच में स्टडी को थर्मोडायनामिक्स ब्रांच कहते थे उसको इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। प्लस देखते हो कि हमारी फिजिक्स का जिस पीरियड टिकी हुई है वो सारी कोर ब्रांच बेसिक सेकेंडरी में पर क्या है। अब हमारा लेवल क्या है, अब हम चीज़ों को एडवांसमेंट की तरफ आगे बढ़े, जब कोर भी सीख लिए बेस फंडामेंटल्स भी जान लिए तब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे मॉडर्न तरीके की जो आजकल जनरेशन में हो रही है आज की हो रही उसकी फिजिक्स की बात बात करेंगे। उसमें से ये सारे पेपर्स अभी सारे पेपर्स के बारे में बताएंगे क्योंकि कोई भी पेपर पढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि उस पेपर में हम पढ़ने क्या जाते हैं, पता चलेगा पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए और पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ लीजिए और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है अगर हमको हमसे पूछे तक अगर कोई डिफाइन नहीं कर पाए तो फिर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो हमको बस ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ पढ़ो, कोई भी पेपर हम स्टार्ट करेंगे, कोई भी चीज़ हम पढ़ना शुरू करेंगे, सबसे पहले उसके फंडामेंटल बातों को ध्यान रखेंगे कि बाकी वो चीज़ पढ़ के क्या उसमें एनालिसिस करें। जब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगी किसी पेपर को क्यों पढ़ना है क्या इसमें पढ़ना है तब तो उसके बारे में स्टेप वाइज उसके सिलेबस का पॉइंट हम डिस्कस करेंगे तब तो जान पाएंगे क्या पढ़ रहे हैं इसमें क्या एनालिसिस होने जा रही है तो उन सारी बातों पर हम लोग फोकस करेंगे। और आप लोगों को जो भी बताया जाएगा इसके मन में जो भी क्वेरी होगा प्रयास करना कि क्लास में ही उसको तुरंत डिस्कस कर लेगा, अगर नहीं तो वैसे हम एक एक पॉइंट उसका डिस्कस करेंगे, हर एक सब जो भी बोलेंगे उसको डिस्कस करके ही बोलेंगे। आप लोग डेली का लेक्चर पढ़िएगा और जो भी नोट किया जाए उसको लिखिएगा, घर पर जाके एक बार उसको फिर से एक घंटा उसको रिवाइज करिएगा और फिर अगर उसमें उनको घर पर जाने पर भी कुछ ऐसा डाउट लगता है कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई नेक्स्ट डे का जो पहला 10 मिनट होगा वो उसी के डिस्कशन के लिए होगा। अगर क्वेरी है तो ठीक है, नहीं क्वेरी है तो अगला नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, लेकिन वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ऐसे जब तक क्लियर रहेगा तुम्हारा जब एक लेवल पर चलोगे एग्जामिनेशन पर पहुँचोगे तो हम लगभग सबसे तैयार हैं, उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रयास करो फिजिक्स कभी रट के अच्छा एक परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि रट के तो एग्जाम पास करोगे लेकिन कोई तुमसे कुछ पूछ लेगा तो बता नहीं पाओ क्योंकि वो तैयार रहेंगे। और फिजिक्स सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, याद कर सकते हो सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट है, अगर इसको समझ गए तो फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है सारी। अब जो ये तो पॉइंट वन कम्प्लीट की हमारे जो हमारे ट्यू का सिलेबस है और उसके जो ग्रेजुएशन का करियर का प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के तहत हमको कैसे कंडक्ट करनी है, कौन से पेपर का कंट्रीब्यूशन कितना है और कैसे हमको जाना है। अब चलते हैं बात पेपर की बात करते हैं कि पेपर फर्स्ट में हमको क्या है, पेपर फर्स्ट में क्या पढ़ना है, हमको मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ना है और क्लासिकल मैथमेटिक्स, बहुत ज़्यादा सिलेबस है इसका इसलिए ध्यान से पढ़ना है और पूरा टाइम देना है। देखो एक ही पेपर में दो पेपर है, एक पेपर पार्ट है मैथमेटिकल फिजिक्स का, दूसरा है क्लासिकल फिजिक्स। और ये भी जानते हो कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी कि फिजिक्स में देखो तो फिजिक्स इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप आगे लेवल पे जाओगे तो फिजिक्स में मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, फिजिक्स में केमिस्ट्री भी पढ़ना है, फिजिक्स में बायोलॉजी भी है, फिजिक्स में जियोलॉजी भी है, जितने भी साइंस के सब्जेक्ट हैं लगभग कहीं ना कहीं हर रूप में फिजिक्स में समाई है। तो इतना इंपॉर्टेंट इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई और नहीं हो सकता जहाँ पर तुमको सारी चीज़ें सकते लेवल लेवल पर मिलेगी, जैसे हर चीज़ पर जाओ हम लोग की फील्ड का रिसर्च फील्ड था वो बायोलॉजी पर बायोफिजिक्स था, यानी फिजिक्स में ही बायोफिजिक्स और बायोफिजिक्स में क्या है टोटली केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो एक तरह से देखोगे आगे लेवल पर जाओ पूरा तरीके फिजिक्स में अगर पढ़ोगे तो सारी चीज़ें तुम्हारा साथ आ रहा है, केमिस्ट्री तुमको आनी चाहिए और बायोलॉजी जियोलॉजी का भी अगर उस फील्ड में गए पर्टिकुलर फील्ड में गए तो वहाँ भी जानी चाहिए और मैथमेटिक्स तो आनी ही चाहिए। फिजिक्स का अगर कोई पता है उसको मैथमेटिक्स आनी ही चाहिए, मैथमेटिक्स आएगा तभी वो कोई डेरिवेशन या कोई पार्ट में आएगा तो फिर उसकी एनालिसिस करना, अगर मैथमेटिक्स नहीं आएगा तो फिर वो अप्रोच नहीं करता। ठीक है तो मैथमेटिकल फिजिक्स, तो मैथमेटिकल फिजिक्स में जितने भी हमारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उसके बारे में स्टडी करना है, हमारा वेक्टर एनालिसिस हो गया, लाइक हमारा स्केल फैक्टर हो गया, ये सारी जितने भी हम लोग एनालिसिस करेंगे वो हम अपने इस मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में। दूसरा पार्ट है क्लासिकल, हम लोग मैकेनिक्स का नाम सुनते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स देखते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स का नाम सुनते हैं हम लोग बात होते थे कि वे मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते थे जनरली एक बात बोलते थे कि न्यूटन लॉ, यानी कि न्यूटन लॉ जहाँ भी फॉलो करते हैं कुछ भी मैकेनिक्स को मैकेनिक्स हमारा लॉ नाम देते हैं। और जिसकी जो क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं
निकाल रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक और दो पॉइंट का सिस्टम होता है, एक होता है माइक्रोस्कोपिक और एक होता है हमारा माइक्रोस्कोपिक। जैसे हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक का कोई बड़ा सा सिस्टम, जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, इसमें इसके एनालिसिस हम करें, इसके जो भी बड़ा मुद्दा है मैकेनिक्स के रिलेटेड उसके एनालिसिस करें और वहां पर इस मैकेनिक्स में मैकेनिक्स का क्या होता है न्यूटन ला आ रहा है, यानी कि पूरी पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन ला अप्लाई होता है। अब बहुत सी बात है कि देखो बहुत जब बात करने लगते हैं तो बात पे बात पे करते चले जाते हैं, अब बात में बोल रहे हैं कि न्यूटन ला अप्लाई होता है, अब कई लोगों को अगर यही नहीं पता होगा कि न्यूटन ला अप्लाई होता है तो इसका क्या होता है, न्यूटन ला क्या है एक्चुअल में, सभी कंडीशन ये भी नहीं बात है क्योंकि तुम सभी लोगों से जनरल से पूछे बहुत छोटी सी बात है, हमको यहाँ डिस्कस इस लेवल पर डिस्कस करने की चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी रूप में तुम लोगों से अगर पूछा जाए कि न्यूटन ला क्या है, व्हाट इज द न्यूटन ला, तो क्या बताओ, बस जानना चाहते हैं कि कहाँ तक जानते हो ताकि तुम लोगों के लेवल पर जाकर वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। जनरल वे में क्योंकि पूरी की पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड है, ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था या ला ऑफ मोमेंटम था हमारा जो भी, और थर्ड ला क्या था एक्शन रिएक्शन ला, तो फर्स्ट ला क्या कहता है, फर्स्ट ला क्या कहता है, हाँ तो सही बता यही क्वेश्चन थी, बता सही रहे हो लेकिन अभी उसमें कई सारी कमी है। अगर हम लोग जनरली हम लोग डिफ्यूजन को पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म हो, देखो हर एक वर्ड का कुछ इसमें बहुत मतलब होता है, और एक चीज और ध्यान रखना कि किसी भी मैटर का या किसी भी चीज़ की तुम फिजिक्स तभी बता पाओगे जब उससे रिलेटेड जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं उनके बारे में तुमको इन्फॉर्मेशन, पैरामीटर पर इन्फॉर्मेशन होगी तभी उसकी फिजिक्स तुम बता पाओगे। देखो हम लोग डिफ्यूजन क्या देते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म प्लास्टिक, यूनिफॉर्म प्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर जितने टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे और अगर इतने ही टाइम में उतना डिस्टेंस ट्रेवल करे, दोनों का टाइम भी सेम रहे और डिस्टेंस भी सेम है, तो उस तरह का जहाँ भी मोशन होता है उसको यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो इसलिए कहा जाता है न्यूटन ने जब अपना ला दिया तो वहाँ दिया कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर यूनिफॉर्म प्लास्टिक उसका मतलब समझ ले जाते हैं कि यूनिफॉर्म मतलब क्या है, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही मोशन करती रहेगी, कब तक करती रहेगी, जब तक कि हम कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स न अप्लाई करें, ये हमारी बुक्स में डिफिनेशन था। लेकिन हम इसका क्या मतलब समझ पाते हैं, कहीं अगर ऐसा चीज लिखा है, कहीं बोल रहा है कोई चीज बोल दे रहा है कि न्यूटन फर्स्ट, अगर हम बोल दे रहे हैं कि बॉडी में न्यूटन फर्स्ट का होल्ड, तो इसका क्या मतलब होगा, जनरल चीज इतना कि अगर हम कहें न्यूटन फर्स्ट का होल्ड इसका क्या मतलब बन गया, क्या समझ रहे हो, बॉडी रेस्ट में इसका मतलब क्या निकल रहा है, तो तुम डिफिनेशन बता देते हो ना, उसकी फिजिक्स क्या निकल के आ रही है, हम बात कर रहे हैं कि किसी भी चीज की फिजिक्स बताना है तो उसकी फिजिक्स कौन बताएगा, उसके फिजिकल पैरामीटर्स बता दो, किसी भी टर्म के किसी भी डिफिनेशन के अगर मुझे कोई कहे उसकी फिजिक्स बताओ तो फिजिक्स कौन बताता, उसके फिजिकल पैरामीटर्स बता दो, तो हमको किसी चीज के अगर कोई मुझे पूछे इसका मतलब क्या है समझाओ, फिजिक्स देखो जब तक समझाओ तो नहीं कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो नहीं समझा पाओ, और हम बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट देगा तो उससे रिलेटेड जो फिजिकल पैरामीटर्स होंगे, तो हम सिनेरियो क्या है कि हम क्या बोले पूरी बॉडी रेस्ट में रहेगी तो रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म प्लास्टिक के साथ मोशन करेगी तो मोशन करती रहेगी, इसका क्या मतलब निकल के आया, या हम या कोई उसका मतलब क्या निकल गया, या कोई ये भी पूछ सकता है कि तुम कह रहे हो कि ये चीजें तब तक वैलिड रहेंगी जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना अप्लाई करें, अगर हम कहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या मसला रहेगा, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है, देखो कॉन्सेप्ट
वैल्यू रख पाएगा, टेंशन को मेंटेन रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। समझ रहे हो क्वेश्चन? क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो कि अगर हम तो तुमने कहा कि मुझे उसका स्टार थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, कब हो रहा है जब हमको वही इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, हम कह रहे हैं अप्लाई करते तो क्या होगा? लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए।
और जैसे ही बॉडी पे हम फोर्स कराएंगे तो यहाँ एक्सेलरेशन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी थोड़ा सा भी गया एक्सेलरेशन, कुछ भी एक्सेलरेशन गया तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन इस पे गया ना, तो जब जैसे ही एक्सेलरेशन गया तो एक्सेलरेशन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये दिस इज इनवैलिड, ये दूसरा सवाल आपको क्या आ जाएगा, इनवैलिड क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन चला गया, एक्सेलरेशन चला गया न्यूटन फर्स्ट लॉ का कंडीशन मेंटेन नहीं हुआ, अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म तभी होगी जब एक्सेलरेशन जीरो, तो जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ तो मतलब ये यहाँ पर फर्स्ट लॉ इनवैलिड है, जानते हो कि जब कोई लॉ इनवैलिड होता है तो दूसरे लॉ की जरूरत पड़ती, दूसरे लॉ की जरूरत पड़ती तब देखो क्या हुआ, दूसरे लॉ का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, दूसरे लॉ का एग्जिस्टेंस हुआ ऐसे कि ये बॉडी है ठीक, इस बॉडी के पास कुछ मास होगा, होगा ना, इस बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी होगी, होगा ना, अगर एक कंप्लीट शब्दों में बात करें तो इसको एक बात कर सकते, इस बॉडी के पास कुछ मोमेंटम हो, मोमेंटम को क्या बोलते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, अगर इन दोनों के बारे में ना बात करें, सिंगल टर्म में बात करना चाहे तो मोमेंटम के बारे में बात कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत। अब देखो क्या होगा कि जो न्यूटन का सेकंड फर्स्ट लॉ इनवैलिड हो गया, अब सेकंड लॉ की एंट्री की जब हम फोर्स लगाए तो फोर्स लगाने पर सेकंड लॉ क्या कहता है कि इस बॉडी का जो भी मोमेंटम वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमने जो फोर्स अप्लाई किया, यानी कि जो भी फोर्स अप्लाई करोगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से कोरिलेशन होगा कि पर यूनिट टाइम में इस बॉडी में कितना मोमेंटम चेंज हो, यानी कि इस बॉडी में पर यूनिट टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है ये टोटली इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमने उस बॉडी पर कितना फोर्स अप्लाई किया, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डीवी, कभी कहीं डेटा चेंज की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, तो डीपी बाई डीवी या डीपी बाई डीवी का ठीक है डेटा चेंज, यदि ये सवाल पूछता है। अब यहाँ से देखो या सिंपली कह सकते हो पी बाई डी, अब यहाँ से देखो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बराबर क्या होता है डी बाई डी टी, पी बराबर क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन, डिफरेंशिएशन हो रहा है डिफरेंशिएशन बाहर ले आए क्या हो जाएगा एफ, और जानते हो फिजिक्स में जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा के एम और डी बी बाई डी टी, और के माना बाई वन होती है तो इम्प्लाइज दैट एफ बराबर क्या हो जाएगा एम इनटू डी बी बाई डी टी डेटा चेंज ऑफ वेलोसिटी पर एक्सीलरेशन के बराबर का मिल जाएगा, दिस इज द आउटकम ऑफ न्यूटन्स लॉ, तो ये लोग जो मुझे न्यूटन्स लॉ का टाइप क्या है वो बोलते हैं बराबर एम है, एफ बराबर एम न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है बल्कि न्यूटन सेकंड लॉ का आउटकम्स निकल गया है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है उस बॉडी पे हमने जो भी फोर्स अप्लाई करेंगे वो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में क्या होगा प्रोपोर्शनल से बदल जाएगा, समझ गए कि फर्स्ट लॉ कहाँ इन्वॉल्व हुआ क्यों इन्वॉल्व हुआ और सेकंड लॉ की एंट्री कैसे हुई और सेकंड लॉ क्या था, थर्ड लॉ हमारा एक्शन रिएक्शन एक्शन देखो हमारे दिमाग से निकल गया, पता नहीं रिकॉर्ड भी हुआ होगा कि नहीं, हुआ होगा थोड़ा बहुत, चलो ठीक है। तो कहाँ बात कर रहे थे, यहाँ तक बात किए थे, यहाँ यहाँ चीज़ें समझ में आ गई कोई दिक्कत, थर्ड लॉ हमारा एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ मतलब कि कोई भी बॉडी पे दो बातें पे डिपेंड करेगी, वो भी देखो वो भी फिजिकल पैरामीटर डिपेंड करेगी, कौन से, एक उसके मैग्नीट्यूड पे एक उसके डायरेक्शन, तो जैसे ये बॉडी है ये हमारी बॉडी है हमने इस पर फोर्स लगाएंगे, धीरे अगर फोर्स लगाए तो धीरे चोट लगेगी, तेज़ी से लगाएंगे तो तेज़ी से चोट लगेगी, यानी कि ये भी दो पार्ट पर डिपेंड करें, एक उसके फोर्स के मैग्नीट्यूड पे और एक फोर्स के डायरेक्शन पे, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड उस समय क्या होगा सेम होगा, जितने फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स वो भी हमको लगाएगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा, यानी दो बातों पे डिपेंड करना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या होगा एक्शन रिएक्शन लॉ में सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट, हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, चीज़ें समझ में आ गई है, बहुत छोटी चीज़ है लेकिन इसकी फिजिक्स नहीं समझोगे तब चीज़ों के बारे में नहीं अंदर, हम बार बार बोलेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन लॉ को होल्ड कर रहा है, न्यूटन लॉ को होल्ड कर रहा है, अब वहाँ हमारे दिमाग में यही नहीं पिक्चर क्लियर होगा कि होल्ड हो रहा है इसका क्या मतलब,
तो पूरा क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ना हमारा व्यर्थ हो जाएगा। कोई भी पूछ सकता है, क्योंकि अब इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि ग्रेजुएट हो जाओगे, इसके बाद एक साल के बाद ग्रेजुएट हो जाओगे, और ग्रेजुएट होने के बाद मतलब मालूम जाता है कि कोई भी तुमसे फिजिक्स रिलेटेड बेसिक्स टर्मिनोलॉजी से कुछ पूछे तो हम उसके बताने के हकदार हो, नहीं तो पता चलेगा कहाँ से पढ़ के आए, कहाँ से पढ़ के, कुछ नॉलेज ही नहीं, न्यूटन्स लॉ नहीं पता है, तो बहुत बेइज्जती हो जाता है, समझ रहे हो, एक लेवल पर जाने के बाद। अभी जब पढ़ाई पीरियड में होते हैं तब वो चीज़ फील नहीं होता है, लेकिन जब पढ़ाई करके मार्केट में जाते हैं तो अगर छोटी छोटी चीज़ों की एनालिसिस अगर हमको नहीं पता होती है, ये बहुत बड़ी चीज़ें थोड़ी है, ये क्लास नाइन्थ से ही बच्चों के शुरू हो जाती है, एट टाइम से ही मोशन और ये सब चीज़ें पढ़ना बच्चों शुरू कर देते हैं। अगर उस लेवल की चीज़ें अगर हम इस लेवल पर एनालिसिस करें और ये चीज़ें ना बता पाएँ तो हमारे लिए खुद हमको ही नहीं अच्छा लगेगा, दूसरा क्या कहें, हमको खुद नहीं अच्छा लगेगा कि अगर हम न्यूटन्स लॉ अच्छे से नहीं बता पा रहे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। और आजकल का ट्रेंड जाने दो कि बच्चे कितने स्मार्ट बन रहे हैं, वो सब उनके पास एनालिसिस की क्षमता धीरे धीरे बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है, वो सब ऐसा ऐसा क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। तो जो भी चीज़ें पढ़ो, मतलब है कि जो भी अपने लेवल के हिसाब से, अपने जो रेंज है हमारा थर्ड ईयर का सिलेबस, अब इतना ही नहीं पढ़ सकते हैं, इसके बाहर की चीज़ें तो अभी हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम बाहर की चीज़ों को कलेक्ट कर पाए, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो अभी की चीज़ें हैं कम से कम उसी पर इतना फोकस कर दें कि वो चीज़ें हमारी तैयार हो जाए, अगर धीरे धीरे जब लेवल बढ़ेगा अपने आप वो चीज़ें तैयार होती चली जाएंगी, लेकिन मतलब समझना, फिजिक्स समझना चाहिए। तो ये देखो बात कहाँ की थी और कहाँ पे उठ के चली आई, कोई बात नहीं, तो हम लोग जानना ये भी ज़रूरी है, क्योंकि जब पेपर पढ़ोगे तो वहाँ चीज़ों के एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारा मेन फोकस यही था कि कम से कम सारे पेपर के बारे में जानना कि किसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, तब तो उसके आगे हम पेपर स्टार्ट करेंगे, तब उसके बारे में एनालिसिस कर पाएंगे। और दूसरा है क्लासिकल, यानी कि वे सारे सिस्टम जो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम होंगे उसके बारे में एनालिसिस करना, वो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स में करेंगे। तो एक तरह से कह सकते हो इसी का मैकेनिक्स का ही एडवांस वर्जन है माइक्रोस्कोपिक, हमारा जो भी सिस्टम है उसकी क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी करना, और पूरी की पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स में भी वही फॉलो करेंगे जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं पूरी पूरी मैकेनिक्स में, ठीक है। दूसरा देखो पेपर है, इस पेपर को समझ के क्या एनालिसिस करेंगे, दूसरा पेपर है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स, ये एकदम नया पेपर है, ठीक है। इस पेपर में हम क्या करेंगे कि माइक्रो पार्टिकल सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, और ध्यान देना कि ये क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ से मॉडर्न चीज़ों को एनालिसिस करना शुरू कर रहे हैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स और ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ध्यान देना दोनों की दोनों जो मैकेनिक्स है ये दोनों प्रोबेबिलिटी बेस्ड मैकेनिक्स है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड मैकेनिक्स है, यानी कि इन दोनों मैकेनिक्स में हम कभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, यानी कि कोई जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स हम इस मोशन के बारे में बात करें तो इसका एग्जैक्ट रिजल्ट बता सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है, नियर अबाउट, लेकिन इस प्रोबेबिलिटी बेस्ड मैकेनिक्स चाहे वो क्वांटम मैकेनिक्स हो चाहे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हो, इसमें हम कभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं फाइंड आउट कर पाते, इसमें प्रोबेबिलिटी मेजरमेंट होता, हम नियरेस्ट अप्रोच बता सकते हैं। इसलिए आजकल जितने भी रिसर्च वर्क देखते होंगे वो या तो क्वांटम मैकेनिक्स का अप्रोच लेकर चलते हैं या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का अप्रोच लेकर चलते हैं कि हम लोग नियरेस्ट अप्रोच बता देते हैं, फिर नियरेस्ट अप्रोच पे पहुंचते हैं, फिर उससे रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो रिजल्ट के नियर अबाउट तक अप्रोच होता है, प्रोबेबिलिटी यही नहीं बताती है, प्रोबेबिलिटी भी कभी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं बताती है, नियरेस्ट अप्रोच, अगर किसी कोई कहे किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 10 है तो इसका मतलब कि वो 9 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है, तो हम ये कंसिडर नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट कितना हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड माने कहने का सेंस कि हम लोग नियरेस्ट अप्रोच बताते हैं, चाहे वो क्वांटम मैकेनिक्स हो और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हम करते हैं माइक्रो पार्टिकल सिस्टम्स की बात करें, वहाँ माइक्रो के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ माइक्रो पार्टिकल सिस्टम्स के बारे में एनालिसिस करेंगे, तो वो पूरी की पूरी एनालिसिस हमारी क्या कराएगी, क्वांटम मैकेनिक्स। जब ये पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, पेपर के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ और डिटेल में इस पेपर में डिस्कस करेंगे, अभी बस ओवरव्यू जानना चाह रहे थे कि हम किस पेपर में क्या स्टडी करेंगे। ये हमारा सेकेंड पेपर हो गया। थर्ड पेपर हमारा मॉडर्न फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी कैसा है मैकेनिक्स, प्रोबेबिलिटी बेस्ड मैकेनिक्स है, यहाँ भी नियरेस्ट अप्रोच प्रोबेबिलिटी, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ तो ये एज सच सिमिलर टू क्लासिकल मैकेनिक्स जैसा है, यानी यहाँ पर भी हम माइक्रो पार्टिकल सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पार्टिकल सिस्टम्स के या एक या दो या ज़्यादा ज़्यादा तीन पार्टिकल सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स पे, लेकिन जब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा हो, यानी 10^12 पार्टिकल्स मिनिमम एवोगैड्रो नंबर या उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, तब वहाँ उनकी अगर मैकेनिक्स हमको स्टडी करनी है तब हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब समझ गया कि एक दो पार्टिकल जहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल हो, भी माइक्रो पार्टिकल सिस्टम्स हो, उनकी एनालिसिस करो तो उतने सारे पार्टिकल का एवरेज ले हुए तभी नहीं बता पाओगे पूरी कहानी, नहीं बता पाओगे एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होगा।
उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोबेबिलिटी मेजरमेंट करते हैं, यानी ये पूरी मैकेनिक्स भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड मैकेनिक्स है। इसमें भी हम एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं फाइंड आउट करते बल्कि रिजल्ट का नियरेस्ट अप्रोच बताते हैं। ठीक, समझ गए इसमें क्या एनालिसिस करना है। अब बाकी जब जब ये मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर और डिटेल में उसके स्टार्टिंग से उसके बारे में बात करेंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स में जितने भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे ऑप्टिक्स है तो ऑप्टिक्स में यहाँ से सबसे पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग लेजर और मेजर से। लेजर और मेजर एक तरह का लाइट सोर्स है, तो हम लोग अभी जब पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहाँ सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे कि ये जब भी ये भी एक लाइट सोर्स है तो इसको हम क्यों नहीं बीएससी सेकेंड ईयर में जो ऑप्टिक्स पढ़ा रहे थे वहाँ स्टडी किए, क्योंकि वो तो ब्रांच ही फिजिक्स की ऐसी थी जहाँ पर लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनामिना है या लाइट से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में उस पेपर में हम लोग डिस्कस करते थे और उसके एनालिसिस करते थे। तो ये जब लेजर और मेजर उसी तरह का एक लाइट सोर्स है तो क्यों नहीं इसको वहाँ डिस्कस किए, क्या ऐसी इसके पास स्पेशल क्वालिटी थी जिसको हम वहाँ डिस्कस नहीं कर पाए, इसको अलग मॉडर्न फिजिक्स में हमको डिस्कस करना पड़ेगा। उसकी जो फिजिक्स है वो सब कहानी इस सब में हम लोग डालते। तो इस पूरी मॉडर्न फिजिक्स में वही टॉपिक्स हैं जो एडवांस लेवल पे अप्रोचमेंट है, जैसे हमारा पार्टिकल एक्सेलरेटर है, जैसे हमारा लेजर और मेजर पार्टिकल है, जैसे हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स है, जैसे हमारा किसी भी पार्टिकल का मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज है और हमारा जो उसका एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हमारे मॉडर्न फिजिक्स है, बहुत आसान भी है, कोई उसमें कठिन की बात नहीं। कॉन्सेप्ट देखो हर एक पेपर आसान है, बशर्ते क्या है कि उनका कॉन्सेप्ट तुमको तैयार रहे। कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा सारी चीज़ें आसान लगेंगी, और कॉन्सेप्ट नहीं तैयार रहेगा तो एक भी पेपर इसमें से आसान नहीं लगेगा। तो उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारा काम यही है कि पर डे जितना चीज़ बताया जाए समझाया जाए और उसको उस घंटे के हिसाब से तुमको घर पे भी मेहनत करना पड़ेगा। कम से कम पर डे की चीज़ें रेगुलर रिवाइज करो और घर पे जाके एनालिसिस करो। अगर कोई चीज़ें डाउट कुछ भी चीज़ें उससे रिलेटेड तुमको रह जा रही हैं तो उसको नेक्स्ट क्लास में आके क्लियर कर लो। जब क्लियर कर रहोगे तभी आगे करो, क्योंकि सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। फोर्थ पेपर है हमारा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, यानी स्पेक्ट्रा के बारे में बात करेंगे। पहले एक सिंगल एटम से शुरू करेंगे, एटम के बर्थ से शुरू करेंगे, कहाँ से एटम आया, उसका रेडियस क्या है, उसका मास क्या है, सारी एटम के रिलेटेड उसकी पूरी थ्योरीज पढ़ेंगे। फिर एटम के स्पेक्ट्रा से पढ़ेंगे, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा से शुरू करेंगे। थोड़ा बहुत हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे लाइमर सीरीज, बाइमर सीरीज, पाश्चन, ब्रैकर, प्रोफोन, सारी सीरीज का स्पेक्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर उसकी पूरी डिटेल कहानी हम लोग बताया करेंगे। पहले एटम के बारे में बात करेंगे, उसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम एनालिसिस करेंगे और फिर एटम दो एटम से मिला देंगे तो मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा। फिर उस मॉलिक्यूल के बारे में पूरी एनालिसिस करेंगे, उसको हम लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे कुछ फंडामेंटल्स थे कि हम कैसे अपनी तैयारी करेंगे इस बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में, कौन कौन से पेपर हमको स्टडी करने हैं, उस पेपर में क्या हमको एनालिसिस करना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, और उसके बाद जब एक एक पेपर स्टार्ट किया जाएगा और उसमें उस चीज़ों को सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? ठीक, अब हम जो अभी पेपर स्टार्ट करेंगे हम अभी पेपर थर्ड मॉडर्न फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये दो पेपर अभी हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर। एक दूसरे सर आएंगे वो मैथमेटिकल फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे की तरफ चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल अभी आपको जो शुरू करेंगे इधर इस महीने के बाद, इस महीने में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पे बात करेंगे, बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज लेक्चर यही रखते हैं, कल से हम लोग जो अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे पेपर से, और इसमें क्या सिलेबस है और सिलेबस को हमको किस तरीके से, आप सिलेबस तो है लेकिन हमको किस तरीके से पढ़ना है, कौन से पेपर को प्रेफरेंस देते हुए कौन से ज़्यादा ज़रूरी है, कौन से नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, उस पर डिस्कस करते हुए उसको आगे की तरफ हम लोग अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो कल से हम लोग अपने इस पेपर की तरफ अप्रोच करेंगे और उस पर एनालिसिस करेंगे। आज बस बेसिक इंट्रोडक्टरी था कि क्या चीज़ें हमको कैसे पढ़नी है, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम सिलेबस स्टार्ट कर दें और बेसिक इन्फॉर्मेशन ना रहे तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो। हम चाहते हैं कि यहाँ से अगर आप पढ़ के जाओ तो कम से कम आपको लगे कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, और उस एक्स्ट्रा पे के लिए इसलिए पे कर रहे हो कि कुछ एक्स्ट्रा तुमको नॉलेज गेन हो। तो अगर यहाँ पढ़ने के बाद तुमको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है। अगर यहाँ पढ़ रहे हो तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, और वो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलनी चाहिए चाहे किसी भी हालत में। यानी घर पर जाकर अगर बैठ के सोचो कि आज हमने एक घंटा में क्या किया, फिजिक्स की क्लास में क्या किया, क्या चीज़ें हमको समझ में आई, अगर उसमें से 10 मिनट की भी थ्योरी अगर तुमको समझ में आई तब भी तुम्हारे लिए वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है।
अगर वो भी चीज़ नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो फिर ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। बस वो आओगे, नोट्स मिल जाएगा, सब चीज़ें हो जाएगी, तुम्हारे लिए नहीं बेनिफिशियल हो। तो कोई भी चीज़ अटेंशन पे कर रहे हो तो उसके लिए उस तरह से तुमको लगना पड़ेगा। अगर हम पूरा मेहनत दे रहे हैं तो आप भी उसी तरीके से उतने मेहनत से लगोगे, तो फिर दोनों की कड़ी जब जुड़ जाएगी तो कोई भी चीज़ टेंशन नहीं हो, आराम से यहाँ पर बेहिचक पढ़ोगे, तुमको बेहिचक क्वेश्चन पूछने की भी क्षमता है। जब भी जो भी चीज़ डाउट हो तुरंत उसको क्लियर करो और पूछो, तो कोई समस्या नहीं है, सारा टॉपिक तुम्हारा क्लियर होगा, सारी चीज़ों के बारे में बात होगी। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज को ये रखते हैं, फिर कल से। और क्लास टीचिंग की बात अलग होती है, ऑनलाइन टीचिंग तो एक बस सहारा कह सकते हो कि एक तरह से, बस एक तरह से जैसे कोई अगर किसी के पास लोग ऐसा हो ना किसी के साथ, लेकिन अगर किसी के साथ बैसाखी जानते हो, बैसाखी कोई नहीं चल पा रहा है, बैसाखी दे दो तो कुछ दूरी चल देगा, लेकिन वो कम्फर्टेबल जो रेगुलर आदमी चलता वो चीज़ नहीं होगा, एक सहारा भाई कुछ नहीं होगा सर। इस तरह तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बस एक सहारा है, जो इंटरेक्शन ऑफलाइन क्लासेज में हो पाता है बच्चों से, सारी चीज़ें हैं वो चीज़ ऑनलाइन टीचिंग में नहीं पा सकते, लेकिन कुछ नहीं सर कुछ बेटर है, जहाँ कुछ नहीं हो रहा है वहाँ से कुछ नहीं सर कुछ बेटर है। तो प्रयास करें कि सब जब तक पॉसिबल हो पा रहा है अपनी ऑफलाइन की।